टुडेज टॉपिक इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मैं आपके सामने कुछ 8 एग्जांपल्स लेके आया हूँ जो क्लास 10th और क्लास 11th के आईयूपीएसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, ये क्लास 10th और 11th के लिए बहुत जरूरी आईयूपीएसी है। आप प्रैक्टिस करिए, 8 अभी लेकर आया हूँ, टोटल वी विल डू 50 आईयूपीएसी नेम्स, है ना। बेसिक करेंगे। एलकेन, एल्कीन, एल्काइन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है मेरे YouTube चैनल पे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। तो अल्फाबेटिकली हमें अरेंज करना है। पहला आईयूपीएसी देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक से लेकर के चल रहा हूं। यहाँ पे 4 कार्बन है कि नहीं है? आप इतने समझदार तो हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं, इन कार्बन की जो बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हैं। और शायद आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं दैट कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें आपको मालूम। यहां पे देखिए, आप फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है ब्रोमो, 1 2 3 4। बेसिक रूल्स भी आपको शायद पता होंगे कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना पड़ता है, एक ही सबसे लंबी कार्बन चेन है, अल्फाबेटिकली हमें चलना है। तो फर्स्ट नंबर पे मुझे मिला ब्रोमो, फोर्थ नंबर पे मुझे मिला क्लोरो, तो इसका नाम हुआ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, गॉट इट। चलो अब सेकंड एग्जांपल देखिए, बहुत शानदार एग्जांपल है। यहां पर भी अगर आप लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो 1 2 3 4 यही आ रही है मेरे पास, ठीक है ना। 1 2 3 4 सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन का हमने सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद आप गौर से देखिए, सेकंड नंबर पे 1 मिथाइल तो ये रहा, सेकंड नंबर पे दूसरा मिथाइल मुझे एज ए सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक थर्ड नंबर पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और ये थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। अब आप चाहे चेन में इधर से चले चाहे इधर से चले, यहां पर भी सेकंड नंबर पे मिलता है, यहां पर भी थर्ड नंबर पे मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिखने का तरीका देखिए, सेकंड नंबर पे मुझे क्या मिले हैं, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, तो 2, 2, ठीक है। थर्ड नंबर पे ही एक और मिथाइल, 2 मिथाइल है, दोनों मिथाइल की पोजिशन देखिए, 3, 3, मतलब एक मिथाइल थर्ड पे है, दूसरा मिथाइल भी थर्ड पे है, एक मिथाइल सेकंड पे है, दूसरा मिथाइल भी सेकंड पे है। टोटल मिला के कितने मिथाइल हो गए मेरे पास, 4। 4 को बोलते हैं टेट्रा, और ये मिथाइल टोटल स्टेट चेन में कितने कार्बन है, 4। 4 को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो एन। एक बार और देख लीजिए आप, 2 मिथाइल 2, 2 की पोजीशन में, ये दोनों मिथाइल इनकी पोजीशन 3, 3, 4 मिथाइल तो टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। इसको देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल, 1 2 3 4 सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब यहां पे और यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक तो मुझे मिला दूसरे पे और एक मिला मुझे थर्ड पे, तो 2, 3 कितने सब्स्टिट्यूएंट है टोटल, 2, तो डाइमिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, तो नाम हुआ ब्यूटेन। इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ करा, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन, एक तो मुझे सेकंड नंबर पे मिथाइल मिला, एक मुझे थर्ड नंबर पे मिला, कितने मिथाइल मिले, 2, तो डाइमिथाइल हो गया। ये देखिए स्वास्तिक का निशान, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। देखिए बाप, पहला रूल, सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन, 1, 2, 3, 4, 5, गॉट इट। अब आप देखिए, थर्ड नंबर पे मुझे कौन सा ग्रुप मिल रहा है, इथाइल। इसको गौर से देखिए, ये CH3 है और ये CH2 है, यस और नो? तो एक इथाइल तो मुझे मिला थर्ड पे, ये भी तो इथाइल है, ये भी तो इथाइल है, ये CH2 है और ये CH3 है, तो थर्ड नंबर पे ही मुझे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट मिला जिसको मैंने बोला इथाइल। थर्ड नंबर पे ही मुझे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिला, इसका नाम भी इथाइल है। थर्ड नंबर पे एक इथाइल, थर्ड नंबर पे दूसरा इथाइल, दोनों मिला के 2 हो गए तो डाई इथाइल, और टोटल 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है तो नाम हुआ पेंटेन। बहुत धीरे वीडियो को पॉज करके देखिए, जबरदस्त एग्जांपल ये भी, ये क्लास 10th 11th दोनों के लिए। 1, 2, 3 स्टेट चेन में कितने कार्बन है, 3। इधर से चलो चाहे इधर से चलो, सेकंड नंबर पर ही मिथाइल आएगा, तो 2 मिथाइल 3 कार्बन है, तो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका कॉमन नेम, ये है कॉमन नेम और ये है आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम, अगर सेकंड नंबर पे एक मिथाइल लगा हुआ है, अगर सेकंड नंबर पे एक मिथाइल लगा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं आइसो, और हमें ये पूरे के पूरे कार्बन गिनने, 1, 2, 3, 4, तो यहां पे आएगा आइसो ब्यूटेन। क्या आएगा यहां पे, आइसो ब्यूटेन। कॉमन नेम में सारे कार्बन गिनने, ध्यान रखना
कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट होंगे, जबकि आईयूपीएसी में सिर्फ कौन काउंट होगा? स्ट्रेट चेन। 1, 2, 3 सेकंड नंबर पे मिथाइल है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। आइसो क्यों बोला वापस बता रहा हूं, सेकंड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इसलिए आइसो। ठीक है आगे चलते हैं। 6 बहुत जबरदस्त एग्जांपल। सबसे पहले सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करते हैं, ये जी 1, 2, 3 सेकंड नंबर पे एक मिथाइल, सेकंड नंबर पे ही दूसरा मिथाइल, सेकंड नंबर पे एक मिथाइल, सेकंड नंबर पे दूसरा मिथाइल, 2, 2 कितने मिथाइल? 2 डाई मिथाइल। टोटल लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 1, 2, 3 प्रोपेन। दूसरा नाम कॉमन नेम, ध्यान कॉमन नेम बड़ा फेमस है, सेकंड नंबर पे दो मिथाइल लगे हुए हैं, सेकंड नंबर पे दो मिथाइल लगे हुए हैं तो नाम बोलेंगे नियो। सेकंड नंबर पे एक ही मिथाइल लिखा था तो नाम बोला था आइसो। जब कॉमन नेम लिखते हैं सारे कार्बन काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 नियो पेंट है। एक बार और नियो क्यों बोला? सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे। 7 बहुत इंटरेस्टिंग है, अब की बात डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है, टोटल कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4 जब दो डबल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो हम बोलते हैं ब्यूट की जगह ब्यूटा। पोजिशन देख लेते हैं डबल बॉन्ड की, एक तो फर्स्ट नंबर पे एक थर्ड नंबर पे, तो एक फर्स्ट नंबर पे और एक थर्ड नंबर पे, कितने डबल बॉन्ड है? 2, 2 को बोलते हैं डाई, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? ईन। नाम पड़ा ब्यूटा 1,3 डाई ईन। ब्यूटा क्यों बोला? 2 डबल बॉन्ड थे, बस उनकी पोजिशन लिख दी। बहुत शानदार एग्जांपल। अब की बार कार्बन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने कार्बन है? 8 कितने कार्बन है टोटल? 8 कितने ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? मुझे तो 3 दिख रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा। ठीक है, नाम कैसे रखेंगे पर ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करना है। एक तो सेकंड नंबर पे आया, एक फोर्थ नंबर पे आया, एक 6 लोवेस्ट पोजिशन लेनी। आप कंफ्यूज हो 6 और 7 में, कैसे 7 नंबर पे 4 क्यों लिया 5 क्यों लिया? लोवेस्ट पोजिशन लेनी। कौन सी पोजिशन लेनी है? लोवेस्ट, सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक है, इसको बोलेंगे ओक्टा, क्योंकि 8 कार्बन। ओक्टा क्यों बोला? एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है। कितनी बार ट्रिपल बॉन्ड आए? 3 बार, तो ट्राई, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या है? आइन, तो लगा दिया आइन। तो आप लिख सकते हैं 2, 4, 6 ओक्टा ट्राइन, या इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि ओक्टा ओक्टा 2, 4, 6 ट्राइन। ठीक है, 8 एग्जांपल्स हैं, आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं 8 और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिखे आऊंगा, आप प्रैक्टिस करें क्लास 10 क्लास 11। थैंक यू वेरी मच।